जो कार आई है हमारे पास है टाटा टियागो, जो कि सर्विस के लिए आई है, और इसमें जो प्रॉब्लम है और इसमें जो ऑयल लाइट आती है कंटिन्यू डिस्प्ले पे शो करते हैं स्टार्ट होने के बाद, और इसके चलते कि कस्टमर ने एक दो बार फिल्टर भी चेंज कर दिया, पहले रुक रुक के आता था अभी कंटिन्यू आता है। तो अभी एक बार हम स्टार्ट करके गाड़ी दिखाते हैं कौन सी लाइट है, जैसे ही देख सकते हैं इस तरह से चाबी ऑन करने के बाद सभी लाइटें आती, और स्टार्ट होने के बाद सब लाइट जाना चाहिए, जैसे देख सकते ये है ऑयल लाइट, और जो कि स्टार्ट होने के बाद भी ये कंटिन्यू शो करती है डिस्प्ले पे। प्रॉब्लम ये है कि शो नहीं करना चाहिए, या कुछ इंजन में दिक्कत रहती है, या ऑयल नहीं सही से चल रहा है तो इस तरह से लाइट शो करते हैं। इसकी जो क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे, चेक करेंगे जैसे देख सकते हैं, और जो कि अगर इंजन में ऑयल नहीं चढ़ता तो अब तक इंजन सीज हो जाता, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से आ रहा है, कस्टमर कहना ऐसा है। पहले रुक रुक के आता था इसलिए फिल्टर भी चेंज हो गया था, अभी ये कंटिन्यू आ रहा है। तो हमारे पास जो चेक करने के लिए है अभी टेस्टिंग लैम्प मल्टीमीटर है, और ये है इसका ऑयल स्विच जैसे देख सकते हैं, और इसका कपलर एक बार निकालते हैं, ये देख सकते हैं ये कपलर है, जो कि वायरिंग वगैरह यहाँ से देखने में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। और एक बार हम कपलर निकाल के गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा लाइट जो है डिस्प्ले का जा रहा है या नहीं जा रहा है, एक बार चेक करते हैं जैसे ही देख सकते हैं, और हम चाबी जैसे ऑन करते हैं तो लाइट ही सब आ जाती है, ऑयल लाइट भी आ रही है, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो लाइट जाना चाहिए और गया भी, क्योंकि हमने वहाँ से वायर डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसके लिए डिस्कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अभी इंजन से कोई ये नहीं है ऑयल चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, स्विच काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से देखेंगे उसका क्या प्रॉब्लम है या क्या ख़राब है, चेक करते ऑयल स्विच का, या ऑयल स्विच का प्रॉब्लम है या ऑयल चढ़ नहीं रहा है इंजन में, जैसे देख सकते इस तरह से हमारे पास चेक करने के लिए मल्टीमीटर है। हम मल्टीमीटर सेट कर लेते हैं पहले 20 नंबर पे और डीसी करंट में, तो इस तरह से फिर चेक करते हैं। सबसे पहले हमने अर्थिंग लगाया और जो वायर आया उसमें चेक किया तो उसमें रेजिस्टेंस करंट आता है, इसमें टेस्ट लैम्प नहीं चालू होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस करंट है। तो जहाँ तक कि अगर रेजिस्टेंस करंट आ रहा है तो वायरिंग बरोबर है, तो देख सकते हैं इस तरह से। और हमने जो स्विच में चेक किया तो स्विच में अर्थिंग आ रहा है, कंटिन्यू स्विच के अंदर अर्थिंग आता है, और ये अर्थिंग स्टार्ट होने के बाद जाना चाहिए, अगर स्टार्ट होने के बाद अर्थिंग नहीं जाएगा तो लाइट कंटिन्यू आते रहेगी, तो अगर ऑयल नहीं चढ़ता तो भी कंटिन्यू अर्थिंग आती है, या स्विच ख़राब रहता तो भी अर्थिंग आता है कंटिन्यू, जैसे देख सकते हैं। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके एक बार चेक करेंगे, तो देख सकते हैं हमने मेन लगाया बैटरी में और अर्थिंग चेक कराओ ऑयल स्विच में, ऑयल स्विच में अर्थिंग चेक करते टाइम में देख सकते पूरी अर्थिंग आ रही है, अर्थिंग नहीं आना चाहिए, इसमें स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है या ऑयल नहीं चढ़ रहा है, ऑयल बरोबर चढ़ रहा है जो कि स्विच की प्रॉब्लम है, और तो स्विच हम रिप्लेस करेंगे एक बार, जैसे देख सकते हैं एक बार और दिखा देता हूँ तरह से, जो कि ऑयल स्विच में कंटिन्यू करंट आ रहा है अर्थिंग, तो स्विच शॉर्ट है, और इस तरह से हम ऑयल स्विच को खोलते हैं और रिप्लेस करते हैं एक बार, रिप्लेस करके दिखाते हैं, जैसे देख सकते हैं ये है स्विच, इसको हम खोल रहे हैं इस तरह से खोल लेते हैं, जैसे देख सकते हैं इसमें एक बेंजो वाइसर भी रहता है, वो गिरना नीचे कहीं वो गिर जाता घूम जाता है, तो हमें संभाल कर खोलना आराम से खोलना है, और देख सकते हैं ये स्विच आ गया बाहर, वाइसर भी आ गया, तो इस तरह से हमने खोल लिया। और ये है हमारे पास नया स्विच, नया स्विच को हम लगाएंगे, और देख सकते हैं इसके अंदर बेंजो वाइसर भी दिया है कि ऑयल लीकेज ना हो, क्योंकि प्रेशर से ऑयल रहता है लीकेज हो जाता है, अगर सही से टाइट नहीं होता है फिटिंग नहीं होता, तो हमें भी इसको आराम से फिटिंग करना है और मीडियम ही टाइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट करने से टूट जाता है स्विच, तो इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना है अच्छे से, जैसे देख सकते हैं हमने फिट कर लिया और स्विच को टाइट कर लेते हैं अच्छे से, और फिर स्टार्ट करेंगे कपड़ा लगा कर तो चेक करेंगे, जैसे देख सकते हैं हमने कपलर लगा लिया और कपलर लग गया है कंप्लीट हो गया, और स्टार्ट करेंगे देखेंगे लाइट आती है कि नहीं आती,
एक बार दिखाते हैं। देखते हम स्टार्ट करते गाड़ी को, चाबी ऑन करते, सबसे पहले चाबी ऑन करके दिखाते हैं कि लाइट आ रही है। ठीक है, अभी लाइट है डिस्प्ले पे, जैसे स्टार्ट होगी लाइट जाना चाहिए और गया भी, क्योंकि अभी जो हमने स्विच नया डाल दिया और जो प्रॉब्लम था वो स्विच का प्रॉब्लम था, हमने चेक किया अच्छे से और स्विच हमने नया डाला। इस तरह से प्रॉब्लम था स्विच का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।